दोस्तों, अगर आप नया फ़ोन लेना चाहते हैं या फिर पुराना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई उनका बजट होता है तो नया फ़ोन लेते हैं। त्यौहार के टाइम दीपावली आ रही है या फिर कोई भी ऐसा त्यौहार हो गया, या आपका फ़ोन ख़राब हो गया, पहले वाला नहीं चल पा रहा है, तो जिसके पास बजट है वो तो नया ले लेगा। लेकिन जिसके पास बजट की कमी है तो वो क्या करता है, सेकेंड हैंड फ़ोन लेता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेकेंड हैंड फ़ोन तो ले लेते हैं लेकिन वो घाटे में चले जाते हैं, क्योंकि वो फ़ोन तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत रहता है, या फिर बैटरी लाइफ कम रहती है, या फिर फ़ोन हैंग करता है, या कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम रहती है फ़ोन के अंदर। और हमें लगता है, जहाँ तक कि अगर कोई बंदा जो औसत है फ़ोन लेने का, पुराना 100 फ़ोन अगर बिक रहे हैं तो उसमें 10 ही फ़ोन ऐसे होते हैं जो लिया ग्राहक और उसको अच्छा लगा, बाकी तो 90 फ़ोन जो होते हैं, 90 फ़ोन वो कहीं ना कहीं कुछ डैमेज रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट रहता है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत रहती है फ़ोन के अंदर, क्योंकि तभी लोग बेचते हैं ना। जैसे अभी हमारा फ़ोन है या आपका ही फ़ोन है, कुछ कमी होगी तभी तो हम बेचेंगे उसको। अगर अच्छा ही चलेगा तो हम क्यों बेचेंगे, ज़रा सोचो। लेकिन अब वो 10% वाले में जो मैं बता रहा हूँ कि अच्छे फ़ोन होते हैं, तो कुछ लोग का शौक होता है, जैसे मार्केट में कोई नया फ़ोन आया तो सोचेंगे चलो पुराना बेच देते हैं। अभी ये जो 10% बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे फ़ोन होते हैं, तो 10% लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट में अगर नया फ़ोन आया तो उनको लगी है कि इसको बेचो, नया वाला ले लो। तो अगर वो फ़ोन आप ख़रीदेंगे तो जाहिर सी बात है आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि वो फ़ोन तो जो बेचा है वो नया फ़ोन लेने के लिए बेचा है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए बेच के और वो नया फ़ोन लाया है। तो दोस्तों, अगर वो फ़ोन आपको मिल जाता है तो समझ लो कि आपकी तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, अच्छा है, क्योंकि वो फ़ोन ख़राब नहीं था, सामने वाले को नया मॉडल चाहिए था इसलिए उसने बेचा है। लेकिन याद रखना, यही पहचानना ज़रूरी है आपको कि ये फ़ोन एकदम घिसा पीटा है, जो बेचा है वो एकदम इसका घिस पीट लिया है, एकदम ख़राब हो गया है, इसकी लाइफ ख़त्म है तब बेचा है, या फिर वो फ़ोन जो आदमी शौक से नया लेता है वो पुराना बेच देता है। और ऐसे लोग मात्र 10% ही होते हैं, क्योंकि सबको पैसे की कमी होती है, इसलिए 90% लोग फ़ोन को पहले पूरा ख़त्म कर देते हैं तभी बेचते हैं। जब उनका फ़ोन एकदम जान जाएंगे कि अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलने वाला है, तभी वो बेचते हैं। सभी लोग ऐसा करते हैं, आप भी करते होंगे, हम भी ऐसा करते हैं। लेकिन जो 10% वाले हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि नया फ़ोन लॉन्च हुआ उसको ले लो, इसको बेचो। तो दोस्तों, अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस दुकान से ले रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सी ऐसी दुकानें बन गई हैं कि वहाँ पे सेकेंड हैंड फ़ोन आपको मिलता है, तो एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना कि अगर जो फ़ोन ले रहे हो, पहली बात तो डैमेज नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात जो फ़ोन ले रहे हो उसको देखो कि कितना दिन पहले वो लॉन्च हुआ था। अगर 2 साल 1.5 साल पहले वो लॉन्च हुआ है तो उस फ़ोन को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बताता हूँ ऐसे कि देखो, मोबाइल की बैटरी जो होती है लिथियम आयन, और लिथियम आयन की बैटरी का पैकअप होता है 1500 बार आप चार्ज कर सकते हो, 1500 बार, और उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो अगर रोज़ चार्ज करता है बंदा तो 4 साल आराम से चार्ज कर सकते हो, क्योंकि 1 साल में 350 दिन होते हैं, 2 साल में 700, 1500 बार, तो 4 साल हो गया। तो अगर 4 साल आप पुराना फ़ोन ले लिए, आपने देखा लॉन्च कब हुआ था, उसका 5 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो अगर उस फ़ोन को आप ले लिए तो समझ लो कि आप घाटे में रहेंगे, क्योंकि उसकी बैटरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। और आपको बता दूं, जितने भी फ़ोन पुराने बिकते हैं, सबसे प्रॉब्लम यही आती है कि बैटरी उसकी बहुत ही कम चलती है। बहुत लोगों का फ़ोन डैमेज नहीं रहता, दिखता अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि बैटरी लाइफ, जब बैटरी लाइफ कम हो जाती है, 4 साल बीत जाते हैं, जानते हैं कि अब ख़त्म हो गया मोबाइल, उसी समय बेच देते हैं। और जब दुकानदार बेचता है आपको तो वो बोलेगा मस्त मस्त फ़ोन चल रहा है, अब बैटरी तो तुरंत आप जांच नहीं सकते हो, जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक आप पैसे देकर घर आ चुके होते हैं, और वहीं पे आपको घाटा लग जाता है, और दोबारा वो बोल देता है कि हम दोबारा रिटर्न नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है पुराना फ़ोन रिटर्न नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहले आप
अगर पुराना फ़ोन ले रहे हैं तो सबसे पहले यही देखना कि वो फ़ोन लॉन्च कब हुआ था। अगर 2 साल 1.5 साल हुआ लॉन्च हुए हो उसको तो वो ले लो, लेकिन अगर ज़्यादा दिन हुआ तो ऐसे फ़ोन मत लेना।